ड्यूटी फ्री भी शुरू हो गया होगी। अब जैसे ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मतलब T3 से निकलते हो ड्यूटी फ्री पूरा पड़ता है। गाइस ये है लाउंज एन काम लाउंज। अगर आपके पास मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड है और आपको लाउंज का एक्सेस है तो आपको सीधा यहीं पे आना है। जब बाकी यार इस वाली राइड का ही मज़ा अलग है, ये भी राइड का मज़ा ले लेते हैं। वो देखो भाई बाय वन गेट वन फ्री लिखा हुआ है स्पिरिट्स पे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो गाइस फाइनली इटली पहुँच गए हैं यार। ऊपर से देख लो 30 यूरोज़ की ट्रेन पड़ी है दो बंदों की, यहाँ से लेकर हमारे होटल तक। गाइस फाइनली अपने होटल पहुँच गया यार। ये अपना होटल, होटल स्प्लेंडेड। देखना बहुत ज़रूरी है स्विट्जरलैंड आप कैसे इटली से जा सकते हो, 3 घंटे का रास्ता भाई सिर्फ। तो भाई फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और इस नए दिन की शुरुआत के साथ हम जा रहे हैं एक नई जर्नी पे। तो इसी के साथ आपसे पूछ रहे थे हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप दैट यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइज ये हमारे चैनल की दूसरी इंटरनेशनल ट्रिप है, पहले भी कई जगह जा चुका हूँ बट जब से चैनल शुरू किया तब से ही दूसरी इंटरनेशनल ट्रिप है। टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अभी हम जा रहे हैं दिल्ली टू इटली मिलान, एतिहाद एयरवेज से जा रहे हैं, वहाँ से आगे स्विट्जरलैंड भी जाएंगे। तो बहुत सारे डिफरेंट ब्लॉग्स आने वाले हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, पेज को फॉलो कर लो और शेयर भी कर दो। तो अगर आप इन फ्यूचर प्लान बना रहे हो इंटरनेशनल जाने के लिए, इटली स्विट्जरलैंड कहीं भी, तो बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। हो सकता है कि आप लोगों को काफ़ी कुछ जानने को मिले, कुछ क्वेश्चन हो तो आप उनसे पूछ भी सकते हो। तो अभी जा रहे हैं यहाँ से दिल्ली से पहले इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, वहाँ पहुँचेंगे, लगेज उतारेंगे, फिर उसके बाद लाउंज वाउंज में जाएंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी को। हमारा बीच में एक हॉल्ट भी रहेगा जो कि है आबू धाबी में, वहाँ पे 3 से 4 घंटे का हॉल्ट है। इतना पता नहीं लगता, 3 से 4 घंटे कुछ भी नहीं होते हैं। बाकी पहुँचते हैं और देखते हैं कैसी रहती है जर्नी और आपको बीच में दिखाते हैं क्या क्या एक्साइटिंग चीज़ें होने वाली हैं और क्या क्या मतलब जो भी एक्सपीरियंस रहेगा सब कुछ शेयर करूँगा आपके साथ। तो स्टार्ट करते हैं। जिया एक्साइटेड भी और थोड़ा थोड़ा रो भी रही है बीच में क्योंकि उसे अपने दादू दादी की बहुत याद आ रही है। फिलहाल इस ब्लॉग को शुरू करते हैं और फटाफट पहुँचते हैं दिल्ली एयरपोर्ट। भाई फाइनली एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और आज पता नहीं क्या हो गया यार, सारे के सारे ये जो एंट्री गेट्स होते हैं ना बंद पड़े हुए थे। अभी अभी हम आए हैं तो जाके गेट चालू हुआ और डिजी यात्रा का गेट भी बंद पड़ा हुआ है। भाई जी एयरपोर्ट के अंदर एंटर हो गए हम। हमारा काउंटर नंबर है M के पास जा रहे हैं, एतिहाद एयरवेज का M है और वहाँ से बैगेज देंगे अंदर और उसके बाद चलेंगे आगे। तो फटाफट पहले बैगेज देते हैं क्योंकि तो बैगेज का मुझे लग रहा है कि भाई थोड़ा सा ना वेट ज़्यादा ना हो। और हाँ एक और चीज़ देखो, मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया यहाँ पे, जेंटल जाइंट अमित। वैसे मैं लिखता नहीं हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ भाई बैग कौन ही चोरी करेगा, बट कभी कभार इंटरनेशनल ट्रैवल में क्या होता है कई सारे बैगेजेस सेम हो जाते हैं। जो बेल्ट होती है यहाँ से आप बैगेज लेते हो वहाँ पर ऐसा हो जाता है कि सेम टू सेम 3-4 बैग आते तो वहाँ आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो। तो ये लगा लो, अपना नेम वेम लिख लो यार, बेनिफिशियल ही रहता है। तो गाइस फाइनली बोर्डिंग पास मिल गए हैं और अब जा रहे हैं वीज़ा काउंटर्स पे। यहाँ पे स्टैम्प लगेगा और एक आधा क्वेश्चन पूछेंगे और उसके बाद फिर फाइनली हम एयरपोर्ट के प्रॉपर अंदर एंटर कर जाएंगे। तो चलते हैं फटाफट, फाइनली बोर्डिंग पास अपने हाथ में। तो गाइस फाइनली चेक इन करवा के, सामान वामान भाई पूरा चेक करवा के, उसके बाद क्या कहते हैं स्टैम्प लगवा के पासपोर्ट के ऊपर हम बाहर आ चुके हैं। और बाहर निकलते ही जिया खुश हो, क्या खाने जा रहे हो? जी एन ए चिप्स खाने हैं भाई, तेर से बोल रही हूँ। और देखो ड्यूटी फ्री भी शुरू हो गया होगी। अब जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मतलब T3 से निकलते हो ड्यूटी फ्री पूरा पड़ता है। बट अगर आपके पास इंटरनेशनल मतलब आपके पासपोर्ट पे इंटरनेशनल स्टैम्प है, आप इंटरनेशनल विजिट कर रहे हो तभी आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हो। मेरे ख्याल से आप डोमेस्टिक में तो नहीं कर सकते हो, बाकी आप बताना अगर डोमेस्टिक में भी शॉपिंग कर सकते हो तो। बाकी देखो यार कितना सही लग रहा है यार। ये है मास्टर कार्ड का लाउंज। मास्टर कार्ड का लाउंज में अगर आप आते हो तो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यार, बहुत ज़्यादा भीड़ है। गाइस ये है लाउंज एन काम लाउंज। अगर आपके पास मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड है और आपको लाउंज का एक्सेस है तो आपको सीधा यहीं पे आना है। जब भी आप T3 पे उतर रहे हो और इंटरनेशनल जर्नी कर रहे हो, बहुत सही खाना वाना है यार और ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। भाई आप जब भी आ रहे हो लाउंज में खाना बहुत बढ़िया यार। अगर आपके कार्ड पे लाउंज एक्सेस है तो ज़रूर उसको यूज़ करो, शायद 25 या 2 रुपीज़ या किसी किसी में 1 रुपीज़ भी कटता है तो उसके अंदर आप लाउंज एक्सेस ले सकते हो। खाना वेज नॉन वेज दोनों आइटम्स थे,
ड्रिंक्स के अंदर नॉन अल्कोहलिक अल्कोहलिक दोनों ड्रिंक्स थी और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था यार। दो तीन घंटे अगर डिले है आपकी फ़्लाइट में तो आके बैठ सकते हो, खाओ पियो, रेस्ट करो, वॉशरूम्स यूज़ करो और फिर अपनी फ़्लाइट पकड़ो। तो अब चलते हैं फ़्लाइट पकड़ने। गाइज एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे साथ अभी हो गया है, क्या दिक्कत आ गई हमारे साथ अभी कि अभी हमारा गेट नंबर था 12A और ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है साइलेंट एयरपोर्ट है, यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट वगैरह नहीं होती है। मतलब मैंने तो अभी तक नहीं सुनी है, होती भी होगी तो बहुत ही बेर मिनिमम लिमिटेड होती है, कोई अनाउंसमेंट नहीं होती है। गेट हमारा चेंज हो गया 19A, बिल्कुल ही ऑपोजिट, हम इस तरफ आए, हमें ऑपोजिट जाना है उस तरफ। वो तो शुक्र है भैया जा रहे थे वहाँ एयर इंडिया के, क्योंकि एतिहाद का जो ग्राउंड स्टाफ है इंडिया के अंदर वो एयर इंडिया सैक्स पता नहीं सैस करके उठाते हैं यूज़, मतलब वो उनको हेल्प करते हैं, तो उन्होंने फटाफट ये गाड़ी करवाई। अब हम इस गाड़ी से जा रहे हैं आगे की तरफ, तो ये अनाउंसमेंट तो नहीं होती, तो आप जो बोर्ड जो लगे होते हैं ना साइन बोर्ड्स, उनको देखते रहना कहीं आपका भी गेट नंबर जो है वो चेंज ना हो जाए यार। बाकी यार इस वाली राइड का ही मज़ा अलग है, ये भी राइड का मज़ा ले लेते हैं। भाई एक अलग ही लेवल का मज़ा है यार इस वाली गाड़ी में घूमने का भी, पूरा एयरपोर्ट में घूम रहे हैं ये देखो। और मेन मज़ा तो है जब आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए, पैसे भी ना देने पड़े। भाई वैसे इसके पैसे देने पड़ते हैं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। अच्छा दूसरी होती है पैसों वाली, भाई दूसरी होती है पैसों वाली, ये कैसे मिलती है? अच्छा ओके, सीनियर सिटीजन इन्फेंट्स हैंडीकैप्स उनके लिए होती है। पर चलो यार हमें तो बहुत दूर था गेट भाई, बहुत दूर था, मिल गई बहुत अच्छा रहा। फाइनली प्लेन के अंदर बैठ गए और बेबी के साथ हैं, तो बासनेट वाली सीट मिली, बट बेबी अब बड़ा हो गया है तो बासनेट लगेगा नहीं यहाँ पे, वरना बासनेट लग जाता है। फुट स्पेस देखो कितना सही है। बाकी अब फटाफट आबू धाबी पहुँचते हैं और आपसे फिर मिलते हैं। यार थोड़ी सी भूख लग रही थी तो मैंने थोड़ा सा तो खा लिया। बाकी खाने के अंदर सैलेड मिलता है, इसके अंदर चिक पीज है, बटर चिकन, राइस, दाल और ये मीठी खीर सी है, ये आपको बन मिलता है बटर के साथ, वो भी लगा सकते हो आप। और वेज के अंदर आलू, शाही पनीर, दाल प्लस सेम आइटम्स, ये मीठे में मिलता है, ये सैलेड में मिलता है। और बाकी आपको ड्रिंक्स वगैरह भी मिलती हैं, आप ड्रिंक्स के अंदर कुछ भी ले सकते हो, अल्कोहल, नॉन अल्कोहलिक सब। अब जिया बुला रही है, देखो जिया, जिया क्या खाओगे, कुछ खाएगा, क्या खाएगा? जिया अभी कुछ नहीं खाएगी भाई, जिया फुल है। बाकी आप ड्रिंक्स भी ले सकते हो क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स लंबी होती है तो उसके लिए ड्रिंक्स भी मिलती हैं। भाई फाइनली पहुंच गए हैं आबू धाबी, ये देखो प्लेन से भी निकले हैं और साइड में ये तो पैसे दे चलने का, और स्प्लिट एसी लगे हुए क्योंकि लोग कहते हैं ना दुबई में बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसीलिए उन्होंने नॉर्मल बोले एसी तो लगा रखे, स्प्लिट एसी भी लगा रखे कि किसी को गर्मी महसूस ना हो। और अभी अंदर चल के आपको आबू धाबी का एयरपोर्ट भी दिखाता हूँ। भाई सिक्योरिटी चेक इन करवा लिया है आबू धाबी एयरपोर्ट पे, और जैसे ही आप सिक्योरिटी क्रॉस करते हो आबू धाबी एयरपोर्ट पे, वहाँ का ड्यूटी फ्री शुरू हो जाता है यार। ये देखो कैल्विन क्लीन, डीजल, कोच, वॉचेस हो गए, परफ्यूम्स हो गए, अभी आके जाके लिकर, परफ्यूम शॉप सब कुछ आएगा। 58 है गेट नंबर अपना और काफ़ी दूर है वो, एंड में है, 61 गेट्स हैं। आज से आज हमें ले सारे के सारे एंड वाले गेट ही मिल रहे हैं, अब 58 मिला है। खैर फ्लाइट तो अभी हमारे 3 घंटे हैं, यहाँ पे थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, कुछ अच्छा लगा तो ख़रीद भी लेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। बाकी कुछ अच्छा दिखता है तो आपको आबू धाबी के एयरपोर्ट पर दिखाता हूँ। वो देखो भाई बाय वन गेट वन फ्री लिखा हुआ स्पिरिट्स पे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। भाई ये रही लिकर शॉप, बाय वन गेट वन फ्री भी है, 30% ऑफ भी है, 25% ऑफ भी है, बट जो मैंने इंडिया में प्राइसेस देखे थे ना, अब इंडिया वाले प्राइसेस में क्या रेट है मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस जो इंडिया वाला ड्यूटी फ्री था उसके अंदर क्या था, फॉर एग्जांपल एक लेकर आपको 8,000 रुपये की दो बॉटल्स पड़ रही हैं, पर अगर आप उसी टाइम पे लेते हो तो 8,000 रुपये की पड़ रही है। आप अगर बुक करवा के जाते हो कि हाँ भाई आप अभी तो लंदन जा रहे हो फॉर एग्जांपल, या स्विट्ज़रलैंड जा रहे हो, वापसी में उठाओगे तो आप बुक करवा सकते हो, बुक करवाने पे आपको और ज़्यादा सस्ती पड़ती है, 7,400 की पड़ती है। तो आप इंडियन ड्यूटी फ्री से पता कर सकते हो अगर आपको लिकर लेनी है तो। मुझे बहुत सही चीज़ लगी थी यार वहाँ पे कि अगर आप बुक करवा के आते हो
और वापसी में लेते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ती रीज़नेबल पड़ती है, तो ये भी आप चेक कर सकते हो। और बाकी ये चीज़ शायद बाकी मतलब डियोज़ चॉकलेट्स वगैरह पे भी आप चेक कर सकते हो सकता है उस पर भी हो। बाकी मेरे को तो अभी तक इंडिया की ड्यूटी फ्री के प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहे हैं यहाँ से, ठीक है। बाकी अभी हम घूम रहे हैं, कुछ और अच्छा प्राइजेस मिलते हैं आपको तो मैं आपको ज़रूर बता दूँ। भाई 3 घंटे का हॉल्ट हो, 4 घंटे का हॉल्ट हो, 10 घंटे का हो या 1 घंटे का हो, हॉल्ट बहुत बेकार होता है यार अगर आधी रात को हो तो। 3 घंटे का हॉल्ट था, कुछ भी नहीं होता, बट आधी रात को था तो बहुत हेक्टिक हो गया यार। बस अब फाइनली चल के जा रहे हैं अपने प्लेन की तरफ, जो कि अब जा रहा है आबू धाबी टू मिलान, एहतियात से ही रहेगा। और फटाफट चलते हैं अंदर सीट पर बैठते हैं। गाइस फाइनली इटली पहुंच गए हैं यार, ऊपर से देख लो ये मिलान है और मिलान एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं मिलान, मालपेंसा एयरपोर्ट है और लैंग्वेज भी चेंज हो गई भाई। एग्जिट में लिखा हुआ है उस सीता, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। और ऑलमोस्ट 6.5 आवर्स या 7 आवर्स की फ्लाइट थी। इस फ्लाइट में तो भाई सोते हुए आया हूँ मैं, दबा के सोते हुए, क्योंकि आधी रात को कनेक्टिंग फ्लाइट थी हमारी तो काफ़ी नींद आ रही थी। 2 बार वो लोग खाने के लिए भी आए, एक बार तुमने मना ही कर दिया और एक बार सुबह अर्ली मॉर्निंग में, फिर ब्रेकफास्ट जब देने आया तब ले लिया था। ब्रेकफास्ट में वेज नॉन वेज दोनों था। आप इंडिया से आ रहे हो तो कुछ हिंदू मील्स का भी ऑप्शन होता है, वरना फिर चिकन बीफ ऐसे ऑप्शन भी होते हैं इनके पास, वो भी आप ले सकते हो। बाकी पहुँच गए मिलान एयरपोर्ट, थोड़ा सा एयरपोर्ट दिखाता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ से अपने होटल चलेंगे, थोड़ा सा आपको बाहर से मिलान भी दिखाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं। जब भी आप दूसरी कंट्री एंटर करते हो उसके बाद, उससे पहले दोबारा से आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प्स लगती हैं और चेक्स होते हैं, तो भाई उसकी लाइन लगी हुई है। इस लाइन के बाद हम कन्वेयर बेल्ट पे पहुँचेंगे, जहाँ की जहाँ पे हमारा सामान है। तो अभी तो बहुत काफ़ी ज़्यादा लोग आगे लगे हैं, कम से कम मेरे को लग रहा है 15-20 मिनट्स तो लग ही जाएंगे। फाइनली अपना लगेज अपने हाथ में आ गया, जिया बैठ गई है और बाहर जा रहे हैं एयरपोर्ट से मिलान देखने कैसा लगता है भाई, और आपको भी दिखाते हैं। भाई फाइनली ट्रेन में बैठ गए अपनी, ये देखो सामान वामान पूरा पीछे रखा हुआ है भाई, बहुत सही है यार। 30 यूरोस की पड़ी है, पाउंड निकल रहा है मुँह से, 30 यूरोस की ट्रेन पड़ी है 2 बंदों की, यहाँ से लेकर हमारे होटल तक। बाहर जो कैब सर्विसेज थी उनसे जब मैंने पूछा क्या पड़ेगा, 160-180 यूरोस बता रहे थे यार। 180 यूरोस और 30 यूरोस में तो बहुत डिफरेंस है भाई, 150 के करीब मतलब आपके यूरोस बच रहे हैं, तो बहुत चीप एंड बेस्ट ऑप्शन था। और सिर्फ हमारे 2 चेंजेस हैं अभी, मतलब 3 स्टेशन्स के बाद एक चेंज है, उसके बाद 2 स्टेशन्स के बाद एक ट्रेन लेनी है, वो सीधे हमारे होटल पहुंच जाएगी। और कुछ इतना हैसल नहीं है, यहाँ से उतर के सामने वाली ट्रेन में चढ़ जाना है और 1 स्टेशन के नीचे 2 से 3 प्लेटफॉर्म्स ही हैं मिनिमम। तो भाई ये देख लो, ये यहाँ की मालगाड़ी है। स्टेशन हम पहुँच गए थे और मैंने आपको बताया था 2 स्टॉप है, 2 स्टॉप नहीं, यहाँ पहुँच के हमने बात करी तो उन्होंने हमें बताया कि 2 स्टॉप लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, 1 स्टॉप में आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ पे इस स्टेशन का नाम है बुस्तो अर्सीजियो FS, इससे पहले बुस्तो अर्सीजियो नॉर्ड आया था। तो बुस्तो अर्सीजियो FS पे हम उतरे हैं, यहाँ से हमें ट्रेन लेनी है रीजनाले ट्रेन लेने के बाद हम पहुँच जाएंगे बेवीनो, जो कि हमारा फाइनल स्टेशन है, और वहाँ से 5 मिनट्स वॉक है हमारा होटल। तो ट्रेन का वेट कर रहे हैं और 15 मिनट में ट्रेन आने वाली है, और फिर फटाफट उसमें बैठ के अपने होटल पहुँचते हैं। बाकी रेलवे स्टेशन सही लग रहा है, बहुत खाली खुला डुल्ला सा है, देखो जिया तो फुल मौज कर रही है। तो भाई ये अपनी लास्ट ट्रेन, इस ट्रेन को लेके हम पहुंच जाएंगे अपने स्टेशन और वहां से हम सीधा पहुंचेंगे अपने होटल। अब यहाँ सीधा स्टेशन पहुंचते हैं और आपको होटल पहुंच के अपने होटल दिखा। गाइस फाइनली अपने स्टेशन पे पहुंच गए हैं, जो कि है बेवीनो। भाई प्लेन्स से शुरू हुए थे स्टेशन, प्लेन पे था, अब देखो सामने पहाड़ों पे पहुंच गए भाई, घर पहाड़ों के ऊपर बने हुए हैं, और जहां पे हमारा होटल है उसके साइड में ही रिवर बहती हुई, बहुत सही है, अमेजिंग, मज़ा आने वाला है, मज़ा आ जाएगा। बाकी भी फटाफट होटल चलते हैं, होटल का भी आपको दिखाता हूँ। स्टेशन कितना प्यारा लग रहा है जब पहाड़ों के पास आ गए हैं तो, और पहाड़ तो आपको पता है प्यार है, दिल है भाई वो। तो गाइस 5 मिनट्स का वॉक है हमारा होटल, और साइड में देखो यार रिवर बह रही है, और ये छोटा सा बीच में एक ब्रिज सा बना रखा है भाई, अमेजिंग। और ठंडा मौसम हो रहा है, मतलब 17-18 डिग्रीज दिखा रहा था मेरे को जब मैं इंडिया में था, तो
तो मेरे को, और ऊपर से ना लोग यहाँ पे आधी बाजू की टी शर्ट में मुझे दिख रहे थे जो फ्रेंड्स पहले से आ रखे, उन्होंने बताया कि ठीक ठाक है, धूप है मगर अच्छा मौसम हो रहा है यार, घूमने लायक, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है कि विंटर्स आने वाले हैं अभी यहाँ पे, काफ़ी अच्छा माहौल है। और होटल जैसे जैसे पास आ रहा है वैसे वैसे एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है, और रोड्स काफ़ी क्लीन है यार, काफ़ी क्लीन, मतलब अभी हमें जैसे रोड क्रॉस करनी थी, रेड लाइट्स वगैरह कुछ भी नहीं दिख रही मेरे को स्ट्रीट, मतलब जो रेड लाइट ग्रीन लाइट इंडिया में होती है, लोग खुद ही रुक रहे हैं, रुके और हमें जाने दिया उसके बाद गए, तो काफ़ी सही सिस्टम है। बाकी अब होटल पहुँचते हैं फटाफट। गाइस फाइनली अपने होटल पहुँच गया, ये अपना होटल, होटल स्प्लेंडेड, ये बुक करा है, आज यहाँ पर रुकेंगे, रेस्ट करेंगे। हाँ एक्चुअली यहाँ पे हम आए हैं शादी के लिए, तो मैंने आपको बताया ही नहीं, शादी का भी अगर ब्लॉग बना पाया तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो यहाँ पे शादी अटेंड करेंगे और कल यहाँ से निकलेंगे आगे स्विट्ज़रलैंड, तो देखना बहुत ज़रूरी है स्विट्ज़रलैंड। आप कैसे इटली से जा सकते हो, 3 घंटे का रास्ता भाई सिर्फ, और सस्ता भी पड़ता है अगर आप इंडिया से आते हो और इटली के थ्रू जाते हो, तो कैसे आप जा सकते हो वो भी आपको बहुत सही पड़ेगा, वो भी आपको बताऊँगा। अभी होटल पहुँच चुके हैं, रूम लेंगे और फिर रूम में चल के आगे बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो चेक इन लेना है, आईडी डॉक्यूमेंट्स देने, वो देता हूँ और चलते हैं। भाई फाइनली अपने रूम में पहुंच गए हैं, आपको रूम भी दिखाई देते हैं, बहुत सही मिरर है स्टार्टिंग में ही, एक काउच भी है, एंट्रेंस ही बहुत सॉलिड है भाई, एक और फुल मिरर और साथ में अलमीरा भी है। यहाँ से हम बाहर की तरफ जाते हैं, इधर दे रखा है इन्होंने वॉशरूम, वॉशरूम से बाहर निकलते ही बेडरूम आ गया अपना, और बेडरूम के साथ में भाई 2 बालकनीज है, बहुत बढ़िया बढ़िया, एक तो ये जो आपको मेन रोड का व्यू देती है और सामने पहाड़ों का, और दूसरी वाली तो भाई अमेजिंग है, ये वाली दूसरी है, इस बालकनी से आता है पूरे लेक का व्यू, तो मतलब मैं तो यार शाम को यहीं पे बैठने वाला हूँ, ओए हो अमेजिंग व्यू है भाई। इसी व्यू के साथ यार ब्लॉग को खत्म करने का टाइम भी आ गया है, दिल्ली से निकले थे, इटली पहुंच गया मिलान, कल जाएंगे स्विट्जरलैंड लुसर्न, इटली से ही जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या क्या तरीके हैं जाने के वो भी आपको दिखाऊंगा, और बहुत रीजनेबल रेट्स में ही पहुंच जाओगे अगर हमारे थ्रू चलोगे तो। और दिल्ली से अभी तक की जर्नी सो फार सो गुड, बहुत अमेजिंग थी, मज़ा आ गया यहाँ पहुंच के। और अभी तक आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, आई होप दैट यू वुड लाइक द ब्लॉग, अच्छा ही लगा होगा, और मिलते हैं ऐसी किसी बड़ी सी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।